आज हम क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। अ स्टोरी अबाउट अ किडनैपिंग इन विच द किडनैपर्स गेट मोर देन दे बार्गेन फॉर। ये कहानी एक अगवा के बारे में है जिसमें अगवाकारों को सौदेबाजी से ज़्यादा मिलता है। वी वर डाउन साउथ इन अलबामा। हम अलबामा में नीचे जनूब में थे। बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस। बिल ड्रिस्कॉल और मुझे जब इस अगवा का ख्याल आया। बिल एंड मी हैड अबाउट $600। बिल और मेरे पास तकरीबन $600 थे। एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न लिनॉइस। और हमें वेस्टर्न लिनॉइस में कुछ ज़मीन खरीदने के लिए सिर्फ $2,000 मजीद दरकार थे। वी फिगर्ड दैट फैमिली लव इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज एंड डिसाइडेड टू डू ओवर किडनैपिंग इन समिट अ स्मॉल टाउन। हमने सोचा कि नीम देही बरादरियों में ख़ानदानी मोहब्बत सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। एक छोटे से शहर समिट में हमने अगवा करने का फ़ैसला किया। वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीज़न नेम्ड एबनेज़र डॉर्सेट। हमने अपने शिकार के लिए एक मारूफ शहरी एबनेज़र डॉर्सेट के अकलौते बच्चे को मुंतखब किया। मिस्टर डॉर्सेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ विच ही मेड फ्राम लेंडिंग मॉर्टगेज एंड मेकिंग फॉरक्लोजर्स। मिस्टर डॉर्सेट अपनी दौलत के लिए मशहूर थे, जो कि ज़मीन को रहन देकर और इमारतें बनाकर हासिल की थी। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10। ये बच्चा 10 साल का लड़का था, विथ फ्रैकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर, जिसके झुरियाँ और चमकदार सुर्ख बाल थे। बिल एंड मी फिगर्ड दैट एबनेज़र वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। बिल और मैंने सोचा कि एबनेज़र $2,000 का तावान अदा करने पर राज़ी हो जाएंगे। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। लेकिन इंतज़ार करें जब तक मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वॉज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन। समिट से तकरीबन 2 मील के फासले पर एक छोटा सा दरख्तों से ढका पहाड़ था। ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वॉज अ केव। इसके अकबी ढलवान पर पहाड़ में एक गार था। देयर वी स्टोर्ड प्रोविजंस। वहाँ हमने सामान ज़खीरा किया। वन इवनिंग एक शाम वी ड्रॉव इन अ बग्गी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस। हम एक छोटी गाड़ी में डॉर्सेट के पुराने घर से गुजरे। द किड वॉज इन द स्ट्रीट। बच्चा गली में था। थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस, जो मुखालिफ बार पर बिल्ली के बच्चे पर कंकर फेंक रहा था। हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडीज। बिल ने कहा, अरे क्या आप कुछ कैंडी पसंद करेंगे। द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड। लड़के ने बिल के सर पर एक ईंट का टुकड़ा फेंका। दैट बॉय पुट अ फाइट। इस लड़के ने झगड़ा किया। बट लेकिन इवेंचुअली आखिरकार वी गॉट हिम इन द बगी एंड ड्रोव अप टू द केव। हमने इसे छोटी गाड़ी में डाला और गार्ड तक ले गए। आफ्टर डार्क आई ड्रोव द बगी बैक टू द विलेज। आई हैड हाइड इट इन एंड वॉक बैक। अंधेरा होने के बाद मैं छोटी गाड़ी को वापस गांव ले गया, जिसे मैंने किराए पर लिया था, और वापस आ गया। बिल वॉज एग्जामाइनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस एंड ब्रसेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स। बिल अपने चेहरे और टांगों पर खरोचों और ज़ख्मों का मुआयना और इलाज कर रहा था। देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द केव। गार में आग जल रही थी। एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाई इट। और लड़का इसके पास बैठा था। विथ 2 buzzard tail फीदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर। इसके सुर्ख बालों में गिद्ध की दुम के 2 पंख फंस गए थे। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज। इसने मेरी तरफ छड़ी से इशारा किया
और कहा, हाँ कर्स पेल फेस, डू यू डेयर टू इंटर रेड चीफ्स कैंप? हाँ मलून, क्या तुम रेड चीफ के कैंप में दाखिल होने की हिम्मत रखते हो? ही इज़ ऑल राइट नाउ, सेज बिल। वो अब बिल्कुल ठीक है, बिल ने कहा। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हंक, रेड चीफ्स कैप्टिव, एंड आई एम टू स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक। मैं बूढ़ा हंक हूँ, रेड चीफ का कैदी हूँ, और मैं सुबह के वक्त खोपड़ियाँ खोजने वाला हूँ। आउच, दैट किट कैन किक हार्ट। आउच, ये बच्चा सख्त लात मारता है। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, वो लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव। कैंपिंग आउट के मज़े ने इसे भुला दिया था कि वो एक कैदी है। ही इमीडिएटली नेम मी स्नेक आई द स्पाई एंड अनाउंस दैट आई वॉज टू मीट माई एंड द नेक्स्ट डे। इसने फौरन मुझे स्नेक आई द स्पाई का नाम दिया और ऐलान किया कि मैं कल अपने अंजाम से मिलूँगा। देन वी हैड सुपर, फिर हमने रात का खाना खाया। एंड ही फील्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टार्ट, और इसने अपना मुँह गोश्त रोटी और सालन से भर लिया और बात की। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, इसकी तकरीर कुछ इस तरह हुई। आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर, इट्स फन, बट आई हैड अ पेट वंस एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे। मैंने इससे पहले कभी कैंप आउट नहीं किया, ये मज़ेदार है, लेकिन एक दफ़ा मेरे पास एक पालतू जानवर था और मैं पिछली सालगिरह पर 9 साल का था। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स? क्या इन जंगलात में वाकई रेड इंडियन है? आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे कुछ और सालन चाहिए। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो, क्या ये हिलते दरख्त हवाओं को चलाते हैं? वी हैड 5 पप्पीज, हमारे पास 5 कुत्ते थे। वट मेक्स यूर नोज सो रेड हांक, हांक आपकी नाक इतनी सुर्ख क्यों है? माई फादर हैज़ लॉर्ड्स ऑफ मनी, मेरे वालिद के पास बहुत पैसा है। आर द स्टार्स हॉट, क्या सितारे गर्म होते हैं? डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस, क्या बैल कोई शोर मचाते हैं? वाई आर ऑरेंजेस राउंड, माल्टे गोल क्यों होते हैं? अ पैरट कैन टॉक बट अ मंकी और अ फिश कांट, एक तोता बात कर सकता है लेकिन एक बंदर या मछली नहीं कर सकते। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वॉज रेड इंडियन एंड वुड लेट आउट अ वॉर वूप दैट मेड ऑल्ड हंग शिवर। हर चंद मिनटों में इसे याद आता कि वो रेड इंडियन है और जंग की आवाज़ें निकालता जिससे बूढ़ा हंक कांप जाता। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, इस लड़के ने बिल को शुरू से ही दहशत ज़दा कर रखा था। आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम, मैं कहता हूँ बच्चे क्या आप अपने घर जाना पसंद करेंगे? और व्हाट फॉर, सेज ही, ओह किस लिए, वो कहता है। आई डोंट हैव एनी फन एट होम, मुझे घर में कोई मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। आई लाइक कैंपिंग, मुझे कैंपिंग करना पसंद है। यू वॉन्ट टेक मी होम, आप मुझे घर नहीं ले जाएंगे। स्नेक आई विल यू, स्नेक आई क्या तुम ऐसा करोगे? नॉट राइट अवे, सेज आई, मैं कहता हूँ अभी नहीं। ये सेज ही, आई नेवर हैड सच वन इन ऑल माई लाइफ, हाँ वो कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा मज़ा नहीं किया। एट अबाउट 11 o'clock वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू बेड, 11 बजे के करीब हमने कुछ चौड़े कंबल फैलाए और बिस्तर पर चले गए। रेड चीफ केप्ट अस अवेक फॉर 3 hours, रेड चीफ ने हमें 3 घंटे तक जगाई रखा। जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल एंड स्क्रीचिंग इन ओवर ईयर्स,
छलांग लगाते हुए इसकी राइफल तक पहुंचते हुए और हमारे कानों में चीखते हुए। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग और द रस्टल ऑफ अ लीफ मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। टहनी की हर कड़क या पत्ते की सरसराहट ने इसे ये तसव्वुर करने पर मजबूर कर दिया कि गैर कानूनी लोग आ रहे हैं। एट लास्ट आई फेल इंटू अ ट्रबल्ड स्लीप and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. आखिरकार मैं परेशानी की नींद सो गया और ख्वाब में देखा कि मुझे सुर्ख बालों वाले समुद्री डाकू ने अगवा करके एक दरख्त के साथ जंजीरों में जकड़ लिया है। Just a daybreak, I was awakened by awful screams from Bill. सुबह होते ही मैं बिल की खौफनाक चीखों से बेदार हुआ। I jumped up to see What the matter was? मैंने छलांग लगाकर देखा कि मामला क्या है। Red Chief was sitting on Bill's chest, holding him by the hair. Red Chief Bill के सीने पर बैठा था, इसके बाल पकड़कर। In his other hand, he had the sharp knife, and he was seriously trying to take Bill's scalp, as he did promised the evening before. इसके दूसरे हाथ में तेज चाकू था, और वो संजीदगी से बिल की खोपड़ी लेने की कोशिश कर रहा था जैसा कि इसने शाम से पहले वादा किया था। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन। मैंने चाकू बच्चे से दूर कर दिया और इसे दोबारा लेटा दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन। लेकिन इस लम्हे से बिल की रूह टूट चुकी थी। ही लेड डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड But they never closed an eye again in sleep as long as that boy was with us. वो अपने बिस्तर के पहलू में लेट गया लेकिन इसने कभी नींद के लिए आंखें दोबारा बंद नहीं की जब तक लड़का हमारे साथ था। And it awful, Sam. Sam, क्या ये खौफनाक नहीं है? No one will pay money to get a little imp like that back. कोई इस छोटे शरारती बच्चे को लेने के लिए रकम अदा नहीं करेगा। His parents will, इसके वालदैन करेंगे, says I, मैंने कहा। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 की हाफ रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग और एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।